गोलियां मारो, मेरी गोली वहां तक पहुंच नहीं रही। अब कोई बैकअप दे दो, क्या कर रहे हो? तो जी हाँ भाई और बहन, एक बारी फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल चौपाटी पर। मेरा नाम है बम्मी और आज की हमारी वीडियो में हम एक बारी फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5 की नई रेसेस जो हाल ही में शुरू हुई है, जिसका नाम है द ट्रैप डोर रेस। इस बारी हमारी टीम बहुत बड़ी है। लास्ट टाइम तो हमारी टीम में सिर्फ 3 ही बंदे थे, इस बारी हमारी टीम में 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 6 बंदे हैं। तो खून खराबा बहुत हाई लेवल का इस गेम के अंदर होने वाला है। और ये है मेरी दूसरी वीडियो ट्रैपडोर रेस पर। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसको बनाने में मुझे बहुत मजा आया और मुझे लगता है कि इसको देखने में भी आपको बड़ा जबरदस्त तरीके का मजा आया होगा। और चलिए मैंने सोचा कि एक और ट्रैपडोर रेस बनती है, और आते ही हमारा स्वागत गोलियों के साथ हो रहा है और भरपूर तरीके से उनकी पूरी टीम मुझे गोलियां मार रही है। लेकिन उनको पता नहीं है कि भागने में हम बिच्छू गैंग के बंदे सबसे नंबर 1 पे आते हैं और भागने में हमारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। तो एक बार फिर से मैंने स्नाइपर उठा लिया, तो देखिए कि हम उनको कितना धोते हैं। गोली तो मैंने मारी लेकिन क्रेडिट उसको मरने का मुझे नहीं मिला। तो हम बिल्कुल टॉप के ऊपर खड़े हैं, मुझे लगता है कि हमारी टीम बहुत ही जोर शोर से उनका मुकाबला करेगी। और ये हॉर्न बज रहे हैं और ये हॉर्न का मतलब ये है कि मैप छोटा हो रहा है। वी गोना गेट टू द मेन पॉइंट विच इज़ राइट इन द मिडल ऑफ द मैप। जी हाँ भाई, आपने ठीक सुना, जब भी ये हॉर्न बजता है तो मैप का एक हिस्सा मतलब कि टूट जाता है और वहाँ पे आप जा नहीं सकते। तो मेन आपको ये करना है कि आपको मैप के बिल्कुल बीचों बीच जाके इनको धोना है। तो देखते हैं आखिर में कौन सबसे बीच में रहेगा। ये बड़ा मतलब एक्शन देके भाग रहा है, मेरी 2 गोलियां मिस हो चुकी है स्नाइपर की। फिरकी मार के इसको गोली मारता हूँ। ओह माय गॉड, फिरकी मार के हरामखोर ने हमें लपेट लिया। ओके, वी आर इन द रेड जोन। तो ये है एक रेड प्लेटफॉर्म, इसका ऑफिशियल नाम है रेड प्लेटफॉर्म। तो रेड प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना बहुत ही ज़रूरी है, तो आपको बहुत तेज़ी से यहाँ से बाहर निकलना है। तो कोई बात नहीं, फिलहाल तो हम जीत रहे हैं। हमारा स्कोर है 4 और उनका स्कोर है 3। आई थिंक वी आर इन द ऑरेंज टीम, मुझे पक्का है कि हाँ उसको लिखा भी है योर टीम इज द ऑरेंज टीम और उनकी टीम है पर्पल टीम। तो ओके, ऑरेंज टीम वाले बंदे बिच्छू गैंग के बंदे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, तो बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसको मार रहा है यार, ये मुझे भी तो मारना है। देख, किसी को मैंने कुछ भी नहीं किया यार, मैंने तो अभी तक एक गोली भी मतलब गोलियां वगैरह चलाई हैं लेकिन बंदे मुझसे नहीं मर रहे यार। इतना गंदा मैं कैसे खेल सकता हूँ GTA को यार। किसको मार रहा है? ओह शिट, मुझे कौन मार रहा है? ओह माय गॉड, ये रहा ये रहा, मैंने भी यहाँ पे बंदा देखा। मैं काम करता हूँ फटाफट, असॉल्ट मेरे ख्याल से यहाँ पे ये जो ओबे क्या इसको मैंने मारा ना। अरे यार, मैं इसको गोलियां मार रहा हूँ लेकिन क्रेडिट उनको मिल रहा है। इसको भी मैं गोलियां मार रहा हूँ लेकिन इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिल रहा। डैम, मुझे मार रहे हैं। क्विक क्विक क्विक, लीव द रेड प्लेटफॉर्म, हरी अब, अबे चढ़ जा ऊपर। ओके, अपना बंदा नहीं, अपना यार, मैं गोलियां मार रहा हूँ, मेरी गोली उसको लग क्यों नहीं रही यार? ये बिल्कुल गेम टूट चुकी है यार, इसको स्क्रैप करके फिर से बनाओ इस गेम को यार। आई थिंक मैं बहुत दूर हूँ, मेरी गोलियां वहां तक पहुंचती भी नहीं है। ये ऐसा हो सकता है कि मेरी गोलियां वहां तक पहुंच भी नहीं रही, तभी मेरी गोली उनको लग नहीं रही। कोई बात नहीं, तो अभी हम मैप के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं। ओबे स्नाइपर, स्नाइपर उठाऊं कि ना उठाऊं? हाथ में मेरी कुछ नहीं हो रही अभी। क्या धमाका किया उसने यार, उसके पास रॉकेट लॉन्चर, उसके पास ग्रेनेड वगैरह कैसे आ रहे हैं यार? अरे बाप रे, मैं सोच रहा था कि स्नाइपर उठा लूं लेकिन इसको पकड़ लिया। ओबे मिस, ओ नो, देख लिया इसने मुझे। ओ लगी शॉट इसको, और मैं रेड प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं निकला, तो रेड प्लेटफॉर्म गायब हो गया और मैं नीचे गिर गया। तो तभी मैं कहता हूँ रेड प्लेटफॉर्म से आपने हमेशा बाहर निकलना है। और इसी के साथ ही मेरी ये लाइफ बिल्कुल एंड हो चुकी है, तो अभी इनको मैं एक्सपेक्टेट करूँगा। तो ये कैसे कह रहे हैं, किसको एक्सपेक्टेट कर रहे हैं, ये कौन है? इसका नाम भी, इसका नाम है कूलियोमिक, आई थिंक आई प्रोनाउंस इज नेम करेक्टली, मुझे लगता है कि मैंने इसका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस किया। तो एक बार फिर से रेड जोन आ रहा है। मामा भाग जाए, क्या कर रहा है? छुपके मार रहा है, बड़ा छुपा रुस्तम है यार ये तो। उनकी टीम तो बहुत बड़ी है यार, हमारी टीम में सिर्फ एक ही बंदा बच्चा है। ओ गया, फिर की मत मार, बंदे मार ले, क्या कर रहा है? ओ लेकिन अच्छा प्रदर्शन दिखाया इसने। ओके, तो पहला राउंड तो हम बड़े ही बेरहमी के साथ लगता है हार चुके थे, और ये है दूसरे राउंड की शुरुआत इन द ट्रैप डोर रेस। तो देखते हैं अभी हम कौन सा गोल खिलाते हैं। फिलहाल हमारी टीम में सिर्फ कितने बंदे हैं यार, एक बंदा हमारी टीम से भाग गया, क्योंकि मुझे याद है कि हमारी टीम में पहले 6 बंदे थे,
अभी हो चुके हैं 5 बंदे, तो एक बंदा हमारी टीम से रफ हो चक्कर हो गया, तो उनकी टीम में भी 5 बंदे ही है लगता है। हाँ, उनकी टीम में भी 5 बंदे हैं और हमारी टीम में भी 5 बंदे, तो देखते हैं जीतता कौन है। मुझे लग रहा है कि हमारी टीम थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रांग है, मुझे छोड़ के। लेकिन अब मेरा पूरा प्लान यही है कि उनको मैंने धोना है। कम से कम यार एक बंदा तो मारना बनता है यार। ये रहा, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि मैं गोलियां मारूं, मेरी गोलियां वहां तक पहुंच नहीं रही। अब कोई बैकअप दे दो, क्या कर रहे हो? ओह माय गॉड, कोई बैकअप देने का नाम ही नहीं। इसके पीछे एक बंदा छुपा है, तो मैं ये कह रहा था कि कोई बैकअप देने का नाम ही नहीं ले रहा। अबे तू तो गया। अबे क्या कर रहा है यार? मैं सामने देखूं कि साइड में देखूं यार, सिर्फ 2 तो आंखें हैं मेरी। यार इस गेम को खेलने के लिए आपको पता है 6 आंखें चाहिए, 2 आगे 2 पीछे, 2 ऊपर और 2 नीचे। अबे रेड जोन, बच गया। देखा, बिल्कुल एंड मौके पर हमने रेड जोन के ऊपर क्लाइम कर दिया, नहीं तो अभी गिरने वाला था नीचे। ओह माय गॉड, ओके, वी आर डूइंग गुड। हमारी टीम अच्छा खेल रही है। हमारी टीम का स्कोर है 5 और उनकी टीम का स्कोर है 3, तो वी आर डूइंग फाइन। मैंने तो स्कोर बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ स्कोर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, तो मेरी खातिर उनका, मेरी टीम का स्कोर कम हो रहा है। पकड़ जाने को पकड़। ओह माय गॉड, अबे फिरकी मत मार, उसको मार ले बंदे, मार ले, क्या कर रहा है? अरे बच गया। ओके, क्लोज, इट वाज क्लोज। अभी और बंदे कहां पे हैं इसके? अरे बाप रे, मेरी पावर देखिए, सिर्फ एक गोली, मतलब कि मुझे अगर किसी ने टच भी किया ना, मतलब कि ऐसी उंगली भी लगा दी, मतलब कि अगर पत्थर भी फेंक दिया मेरे ऊपर, जैसे कि मैंने ग्रेनेड फेंका, तो अगर मेरे ऊपर किसी ने पत्थर ही फेंक दिया तो मेरी, मैं मर जाऊंगा। बहुत ही ज्यादा कम हेल्थ है मेरी यार। आई नीड टू पिकअप सम सॉर्ट ऑफ एन आर्मर, मुझे एक आर्मर वगैरह पिकअप करना। अबे स्नाइपर है साले के पास, कहाँ पे है? यार पकड़। अबे एक को तो मार ले। और इसी के साथ ही हमने पहला किल किया, और पहले किल के साथ ही हमारा किल हो चुका है। ओके, लेट्स गेट आउट ऑफ द रेड प्लेटफॉर्म बिफोर इट डिसअपीयर्स। ओके, कहाँ पे है ये? सामने मेरे बंदे हैं कि उनके बंदे हैं? लेकिन इतनी दूर गोली मारने का कोई फायदा ही नहीं है यार, मेरी गोली वहां तक पहुंचती। अबे रेड जोन आ गया, गया वो पक्का गया। अबे रेड प्लेटफॉर्म ने उसको चपेट में ले लिया यार। ओके, बहुत ही अच्छा खेल रहे, सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अरे एक और किल हमारी AK-47 के साथ, बड़ा मस्त खेल रहा हूँ मैं तो। मुझे आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। कम से कम 2 बंदे तो मैंने मारे। ओके, उनकी टीम भी वैसे खतरनाक है यार, मुझसे बंदे मर ही नहीं रहे। ये ले, अबे फिर क्या बहुत मारते हैं यार ये हमारे बंदे। एक काम करता हूँ, मैं आर्मर उठा लेता हूँ, अभी पास जाके लपेटते हैं साले को। ओए यार, एंड मौके पे रीलोडिंग होगी, और एंड मौके पे हमारे बंदे ने इसको मार दिया, नहीं तो लपेट लेता। अबे किसको मार रहे हो? भाग के कहाँ जाएगा जाने मन, भाग के कहाँ जाएगी? ऊपर आ जा। अबे नीचे से गोलियां मार रहा है साले, हिम्मत। अबे यार हिम्मत तो देखो साले, कितनी दूर से मुझे लपेट लिया यार। ये क्या जिंदगी है हमारी GTA 5 की यार, बिल्कुल बिल्कुल घटिया जिंदगी है GTA 5 की यार। हम ना किसी को मार पा रहे हैं, बस हमारी वजह से हमारी टीम का स्कोर जो है वो कम हो रहा है। मुझे परेशानी ये है, लेकिन इसको मैंने गोलियां मारी, ये मरा क्यों नहीं यार? मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए था इसका यार। लेकिन भाई टेंशन अभी तक हमने नहीं करनी, बिकॉज सिचुएशन जो है, जी हाँ भाई, पूरी सिचुएशन फिलहाल हमारे कंट्रोल में ही है। हम जीत रहे हैं यार, हम बिल्कुल जीत रहे हैं, बिल्कुल। एक बंदा बचा है, उसको मारना है, और इसी के साथ ही उन, मतलब वो हार जाएंगे। आई थिंक वो हार जाएंगे, उनका कोई इरादा नहीं है जीतने का, यहीं पर छुपा हुआ है वो। किसको मार रहा यार? ये 3 बंदे मिलके एक साथ एक बंदे को लपेट रहे हैं यार, इतनी जरूरत इनकी देख लो यार। और मैं यहाँ पे अकेले बंदे को ढूंढ रहा हूँ, किसको, इनको पता कैसे लगता है कि वो बंदा कहाँ पे स्पॉन करेगा यार? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे यार ये। आई थिंक आई एम मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्नाइपर मैंने, ओए ओए क्या लपेटा इसने यार ग्रेनेड के साथ हमारे बंदे को। ओ माय गॉड, ये हमारा बंदा। ओके, मैं फटाफट जाके एक बार फिर से आर्मर उठा लेता हूँ। बस चीज़ें उठाने के लिए मुझे छोड़ दिया करो है, चीज़ें मुझे चाहिए टॉप की, और मर्दे हमने मारने नहीं होते। ओके, मरा मरा मरा, बिल्कुल 20 सेकंड रहते हैं यार, 20 सेकंड में, और नहीं यहीं पे ख़त्म हो चुका है। और इसी के साथ ही भाइयों हमने दूसरा राउंड भी जीत लिया, सिर्फ 1 राउंड और बाकी है ट्रैप डोर रेस का। तो लीजिए एक बार फिर से आ चुके हैं राउंड 3 इन द एडवाइजरी मोड, ट्रैप डोर रेस पार्ट 3 एज वेल। तो ये है राउंड 3,
और एक बार फिर से हमारे हथियार बिल्कुल रेडी है, हमारी टीम बिल्कुल रेडी है। तो लगता है बिल्कुल टोटल 5 बंदे हैं इस बारी, हमारी टीम से कोई भी गायब नहीं हुआ। तो पहले मिशन में हमारे 6 बंदे थे और एक बंदा गायब हो चुका था, लेकिन इस बारी हमारे पास 5 के 5 बंदे पूरे हैं और खुशकिस्मती से उनकी टीम में से एक बंदा फरार हो चुका है। अभी उनकी टीम में 4 बंदे, तो एक हिसाब से सोचा जाए तो जीतना हमारे लिए थोड़ा बहुत आसान हो चुका है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम इस राउंड को जीत जाएंगे, हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। राइट, अभी देख लेते हैं कि हमारे बंदे कहाँ से आते हैं। आप तो अबे इसको, अरे यार समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसको मार रहा है। यार मैंने उसको गोली मारी, आधी गोलियाँ मेरी बंदूक में से चली भी गई, लेकिन हमारा उसका जो मारने का क्रेडिट किसी और को मिल गया। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ यार। ये ऐसा मत करा करो जीटीए वाले बंदे यार, मैंने शिकायत कर देनी है ऑनलाइन भूतनी से। फिर लगे रहना तुम। ओके सामने, बिल्कुल सामने बंदा। मैं काम करता हूँ, छुप छुप को जाता हूँ। मैं शुरू से ही ओपन फायर कर देता हूँ तो उनको पता लग जाता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत क्लोज जाके तभी मुझे ओपन फायर करनी चाहिए। यहाँ ओबे छुप जाओ, किसको मार रहे हैं यार। अरे वो इतने घटिया तरीके से खेल रहे हैं ना कि वो उनको ऊपर आने का मौका अब तक भी नहीं मिल रहा। ये पूरा प्लेटफॉर्म बिल्कुल हमारे कब्जे में आ चुका है, बड़ी बेहरामी के साथ वो मर रहे हैं। सिर्फ भाइयों 3 मिनट रहते हैं और ग्रेनेड के बाद ग्रेनेड फेंक रहे हैं। बस उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हम ग्रेनेड फेंकें और किसी को लग जाए, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। एक बार फिर से मैंने स्नाइपर उठा लिया। ओके तो अब हमारा भगवान ही हमारी सुरक्षा करेगा, बिकॉज मुझे तो बंदे दिख भी नहीं रहे यार। और बंदे में बंदे मार रहे हैं, हमारी टीम कितनी खतरनाक है, उनको स्पॉन करने भी नहीं दे रही। और मुझे देख लो, मुझे तो बंदे दिख भी नहीं रहे यार, इतना बेकार बंदा खेल रहा। कौन है? अरे वो बंदा नहीं था यार, वो आर्मर था। ओ माय गॉड, कहाँ पे यार। एक बंदा तो मारना बनता है यार, एक बंदा तो डेफिनेटली मारना बनता है, ऐसे हम नहीं जा सकते यार। ये तो फिर बिच्छू गैंग की बेइज्जती हो रही है, फिर मैं बिच्छू गैंग की बेइज्जती खुद कर रहा हूँ यार। ओके यार अबे मुझे मार रहे थे, अबे मिस हो गया, अबे मत मार यार, एक बंदा तो मारना थे। अबे इसी के साथ ही बिच्छू गैंग की इज्जत हमने एक बारी बरकरार रखी। तो यार एक किल तो किया ना, मतलब अब ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत गंदा खेल रहे हो और एक किल भी नहीं किया, लेकिन एक किल हमने किया। ओके मैं बहुत छोटा हो रहा है। ओके तो अभी यार क्या यार, आते ही मार दिया इसने। कौन सी गन है इसके पास यार ये। बिल्कुल 2 मिनट बाकी हैं और मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएंगे। आई डोंट थिंक दे गोना विन दिस, यू नो। हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है यार, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है हमारी टीम। बिल्कुल वो ऊपर आ ही नहीं पा रहे, वो रेड जोन भी मर जा रहे हैं। यार बाहर आ, तो सारे बाहर आ, बस गिच्ची बाहर निकल ओए लगी। और एक बार फिर से हमने स्कोप कर दिया, एक और आया बंदा कोपचे में। ओए मिस, बस गिच्ची बाहर निकाल तू, नहीं तो बस गिच्ची बाहर निकाल तू। गया कहा, निकल जा बाहर साले, कहा छुप के कहाँ जाएगा ये। एक काम करता हूँ, निकलना तो उसको यहीं से है। ओके बच गया, आई थिंक इज डेड, हमारी टीम के बंदे ने उसको मार दिया। ओके लेट्स जस्ट वेट, मैं बहुत ज्यादा छोटा हो चुका और ये हमारे बंदा। ओबे हेलो, अरे अरे उनका जोर सिर्फ हम तक ही पहुंच रहा है। और नहीं हार, हमें रेड जोन ने पकड़ लिया और हमें स्पेक्टेट करना पड़ेगा इनको थोड़ी देर के लिए। तो देखते हैं कि हमारी टीम कैसे खेल रही है। सबसे ज़्यादा डैमेज तो यही बंदा कर रहा है यार। हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा लो रैंक पे है और उनकी टीम नहीं, हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा हाई रैंक पे है यार। ओके तो ये रेड प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा हो चुका है, बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। बिल्कुल 56 सेकंड बचे और ये पागल लोग 56 सेकंड में कितना मार लेंगे हमें। लगता है मैं उन्हीं की टीम को स्पॉन कर रहा हूँ। जी हाँ, अबे उसको देख लो कैसे पागलों की तरह भाग रहा है और अभी तक उसने एक बुलेट भी नहीं मारी। अबे खिड़कियाँ मारी जा रहे हैं। अरे आखिर मार दिया हमारे बेकसूर बंदे को उन्होंने यार, डैम। अरे बाप रे, ये तो बहुत अच्छा खेल रहा है, 2 बंदों को मार दिया इसने यार। अबे रेड जोन आ गया, गिरा ओ क्या एंड, मौके पर बच गया, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, उसको हमारे बंदे ने ढेर कर लिया। तो अभी हम किसको स्पैक कर रहे हैं, अभी हम अपने खुद के बंदे को स्पैक कर रहे हैं। सिर्फ 17 सेकंड बचे हैं, लगता है कि हम ये मैप जीत पाएंगे क्या, हम ये मैप जीत ही गए यार। सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, 10 सेकंड में ऊपर यहाँ पे ग्रीन बेस के ऊपर वो कभी भी नहीं आ सकते और इसी के साथ ही हम ये मैच
जीत चुके हैं और दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो। पैसे एक बारी देख लेते हैं कितने मिले। ओ माय गॉड, नीली $50,000 हमने एक्यूमुलेट कर दिए। एंड दैट्स ऑल आई गॉट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।